दोस्तों डचल में आप सभी का तहदिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना व्हाट्सएप की एक ऐसी खतरनाक कमाल का खुफिया ट्रिक के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये ट्रिक को यूज करके व्हाट्सएप की डिलीटेड मैसेज को आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। यूं कहूं कि व्हाट्सएप की डिलीटेड मैसेज को आप बड़ी आसानी से देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों कभी ना कभी आपके साथ तो ऐसा होता होगा कि व्हाट्सएप पे आपकी फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड या कोई भी बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज तो करता है, उस मैसेज को आप पढ़ते नहीं है लेकिन उससे पहले डिलीट फॉर एवरीवन डिलीट कर देता है कुछ इस तरह से। जब ये मैसेज को डिलीट कर देता है तो आप लोग को टेंशन हो जाता है कि आखिर ये मैसेज को डिलीट क्यों किया, इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, ऐसी क्या बात लिखा हुआ था, कहीं गाली तो नहीं लिखा हुआ था। डिलीट मैसेज को पढ़ना चाहते हो तो आप कैसे पढ़ सकते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ऐसा कमाल का ट्रिक बताऊंगा जो डिलीट मैसेज को आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। यूं कहूं कि डिलीट मैसेज को आप बड़ी आसानी से सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप की मदद से। कैसे कर सकते हो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह लेता वीडियो स्टार्ट में नाम से तारे और आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो ना, एक छोटी सी काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों वीडियो बनाने में, टॉपिक ढूंढने में काफी मेहनत लगता है, लेकिन अगर आप एक लाइक कर देते हो ना जो फ्री होता है, मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल ऑल पे सेट करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिएगा। कमेंट के अंदर जो ना व्हाट्सएप अपडेट, व्हाट्सएप आप यहां पे लिख सकते हो, सिर्फ ओनली व्हाट्सएप भी लिख सकते हो। तो इतना छोटा सा काम करने के बाद दोस्तों लेके चलता व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपकी फ्रेंड या कोई भी बंदा जो ना कुछ इस तरह से आपको मैसेज भेजता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैसेज यहां पे आ चुका और यहां पे हेलो हाय यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे वापस से मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं बैक कर देता हूं, इसको मैं यहां पे क्लोज कर देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने क्लोज कर दिया, तो इस व्हाट्सएप से जो ना इस मोबाइल के अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पे मैसेज करता हूं क्या हाल है। जैसे कि मैंने लिखा क्या हाल है, कहां पर हो, जैसे कि मैंने लिख दिया अभी क्या कर रहे हो, मैंने मैसेज किया, जैसे कि आप देख रहे हो मैसेज यहां पे आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस मैसेज को यहां पे मैं डिलीट कर देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहां पे क्या करता हूं, इस मैसेज को मैं यहां पे डिलीट कर देता हूं। जैसे कि आप डिलीट बटन पे किया, डिलीट फॉर एवरीवन जो देख रहे हैं ना, डिलीट फॉर एवरीवन मैसेज, तो यहां पे मैं डिलीट कर देता हूं। तो ये मैसेज यहां पे डिलीट हो चुका। जब ये मैसेज यहां पे डिलीट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस व्हाट्सएप को मैं यहां पे ओपन करता हूं। जैसे कि व्हाट्सएप को ओपन किया और यहां पे देख सकते हो मैसेज यहां पे डिलीट हो चुका। तो आप ये मैसेज को पढ़ना चाहते हो, डिलीट मैसेज को, तो आपको करना क्या होगा, यहां पे बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, मोबाइल के अंदर एक सेटिंग है, खुफिया सेटिंग है जो आपको ऑन करना होगा, अनेबल करना होगा। तो कौन सा सेटिंग है, तो सबसे पहले मैं दूसरे फोन को मैं हाथ में ले लिया, तो दूसरे फोन की सेटिंग में जाओगे ना, जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहां पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार नाम करके सेटिंग मिलेगा, सभी फोन के अंदर मिलेगा, किसी किसी फोन के अंदर सिर्फ ओनली नोटिफिकेशन सेटिंग मिलेगा। तो यहां पर कुल मिलाकर के नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग के अंदर जाओगे, यहां पे मोड सेटिंग्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद यहां पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री नाम करके सेटिंग मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो इस सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री है ना, इस सेटिंग को ऑन कर देना। बस आप इतना छोटा सा काम कर देना होगा, काम करने के बाद सिंपल आपको ये मोबाइल को जो ना मैं सेटिंग से मैं बाहर आ गया और इस फोन को मैं यहां पर उठा लेता हूं। जैसे कि आप देख रहे, दूसरे फोन को मैंने यहां पर रख दिया और पहला फोन को मैंने ले लिया। क्या करता हूं, यहां पर मैं मैसेज करता हूं, कुछ मैसेज करता हूं, यहां पर लिखता हूं क्या हाल है, जैसे कि मैंने लिख दिया अभी कहां पर हो, जैसे कि लिख दिया क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क भी यहां पे मैं डाल देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहां पे तीन मैसेज किया, तीन मैसेज यहां पे आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस व्हाट्सएप के अंदर जो है ना मैं मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन यहां पे कर देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे डिलीट फॉर एवरीवन यहां पे क्लियर डिलीट हो चुका। डिलीट होने के बाद वापस से मैं यहां पे क्या करता हूं, व्हाट्सएप को यहां पे सर्च करता हूं और यहां पे देख सकते हो यहां पे डिलीट हो चुका। जैसे कि आप देख रहे हैं मैसेज यहां पे डिलीट हो चुका। तो इस मैसेज को आप पढ़ना चाहते हो तो आप कैसे पढ़ पाओगे, सिंपल दोस्तों आपको करना क्या, अगर जो सेटिंग आपने गया था वही सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। वापस से आपको सेटिंग में क्लिक करना होगा, जैसे क्लिक करने के बाद यहां पर नोटिफिकेशन स्टेटस बार के अंदर जाना पड़ेगा। जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको जो मोड सेटिंग्स में आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री है इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे फाइनली दोस्तों ये मैसेज आ चुका। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एरो जो देख रहे हैं यहां पे आपको एरो नजर आता होगा, छोटा सा एरो नजर आता होगा, इस एरो बटन पे क्लिक करोगे यहां पे देख सकते हो, यहां पे मैसेज यहां पे दिख रहा है। यहां पे क्या लिखा, क्या कर रहे हो,
क्या हाल है, ये दोनों मैसेज यहाँ पे आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। ये मुझे काफी गजब और कमाल का ट्रिक लगा। इस तरीके से जो ना आप डिलीट मैसेज को आप पढ़ सकते हो। ये जो आप डिलीटेड जो मैसेज होगा ना वो भी ये बताएगा कि आपने ये मैसेज को डिलीट किया है। तो कुछ इस तरह से आप डिलीट मैसेज को पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कोई कोई मोबाइल के अंदर, किसी किसी फोन के अंदर जो है ना नोटिफिकेशन हिस्ट्री नाम करके सेटिंग नहीं मिलता है। तो आपको करना क्या होगा, नहीं मिलता है ना तो आपको करना क्या होगा, आपको एक और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये सेटिंग ना मिले तो आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेटिंग करना होगा जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन जो ना काफी यूजफुल है और काफी अच्छा रेटिंग भी है और डाउनलोडिंग भी काफी ज्यादा है, 5 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोडिंग है। तो आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा, एनेबल कर देना होगा, जो भी नोटिफिकेशन का परमिशन है उसको अलाउ कर देना, सिंपल आपको बैक कर देना होगा। यहां पे आपको जो ना अलाउ कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा, व्हाट्सएप को आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर से आपको अलाउ कर देना होगा, ठीक है। यहां पे आपको जो ना सिलेक्ट करके अलाउ कर देना होगा, ठीक है। सिंपल आपको बैक कर देना होगा। ये सिर्फ नोटिफिकेशन का यहां पे परमिशन है। तो यहां पे मैं सेटअप पूरा हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सेटअप होने के बाद इस मोबाइल के अंदर जो ना मैं व्हाट्सएप पे कुछ भी यहां पे लिखता हूं, हाय लिखता हूं और यहां पे हेलो भी लिख देता हूं एक ही साथ, और अभी अभी क्या यहाँ पे ये भी लिख दिया, दोनों मैसेज किया। तो यहाँ पे ये दोनों मैसेज को मैं डिलीट फॉर एवरीवन यहाँ पे डिलीट कर देता आपके सामने में। जैसे डिलीट कर दिया और ये व्हाट्सएप के अंदर जो ना इस मोबाइल के अंदर यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, नीचे स्क्रॉल डाउन को, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो डिलीट मैंने मैसेज किया, ये डिलीट मैसेज यहाँ पे आ चुका है। इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ओपन भी हो जाए। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, हाय हेलो मैंने लिखा था, अभी क्या, वो भी यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस ऐप की मदद से भी आप डिलीट मैसेज को पढ़ सकते हो। अगर आपको वो सेटिंग ना मिले मोबाइल के अंदर तो ये एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको सारा डिटेल बता दें कि किस तरीके से डिलीट मैसेज को आप देख सकते हो, यानी कि यूं कहूं कि डिलीट मैसेज को आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे ऑल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, अपने ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।